हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल लेस टू इट पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं चंद्रभान। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है जी आपके लिए। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में KVS केंद्रीय विद्यालय के अंदर या NVS या DSSSB के अंदर टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जी, जिसको बोलते हैं CTET, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो जुलाई 2023 में होना है। उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, और उसके लिए आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसकी पूरी जानकारी दी गई है। इसके अलावा उसकी फ़ीस कितनी रहेगी, अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस कितनी रहेगी। पेपर वन जो 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक के लिए होता है, उसका सिलेबस क्या रहेगा, और कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसका क्या सिलेबस रहेगा, क्या फ़ीस रहेगी, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी और ऑथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले मिल जाएगी। CTET जुलाई 2023 के लिए आप 27/4/2023 से लेकर 26/5/2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। 26/5/2023 है जो आपकी 12 बजे तक रात के, ये लास्ट डेट रहेगी। आपका एग्ज़ाम डेट है जो जुलाई 2023 से लेके अगस्त 2023 तक ऑनलाइन जो CBDT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसके द्वारा ही होगा। जुलाई लास्ट वीक से आपका एग्ज़ाम है CTET का, वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। ये देख सकते हैं जुलाई 2023 से लेकर अगस्त 2023 तक आपका जो एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, 27/4/2023 से लेकर 26/5/2023 तक आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको CTET.NICE.IN के ऊपर जाना है, वहाँ जाके आप अप्लाई का ऑप्शन दिया होगा, वहाँ जाके आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी पहले कभी आपने अप्लाई किया तो आप लॉगिन ID से भी दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। CTET.NICE.IN के ऊपर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और पेपर एक देना चाहते हैं या सिर्फ एक या सिर्फ दो पेपर देना चाहते हैं तो ₹1,000 फ़ीस रहेगी। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो आपकी ₹1,200 फ़ीस रहेगी। SC ST और जो एबल्ड है पर्सन किसी भी प्रकार के, तो उनकी एक अगर सिंगल पेपर देना चाहते हो तो आपको ₹500 फ़ीस रहेगी। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हो तो आपकी ₹600 फ़ीस रहेगी। फ़ीस आप ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट या नेट बैंकिंग से भी दे सकते हैं, ऑनलाइन मोड जो है आपको रहेगा। बाकी GST का जो चार्जेस है वो अलग से पे करना पड़ेगा। आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपने अकॉर्डिंग टू 10th क्लास के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी डालना है। इसके बाद आपकी किसी भी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। बेसिक चीज़ है जो आपने कैफे से या खुद फिल करते समय 10वीं के अकॉर्डिंग आपने सारी चीज़ें फिल करनी है। इसके बाद इन चीज़ों में करेक्शन है जो इन फ्यूचर नहीं की जाती है। कैटेगरी में फिर भी आपकी करेक्शन के लिए या पेपर के लिए आगे जब भी करेक्शन पोर्टल ओपन होता है तो पेपर या कैटेगरी के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है। आपकी क्या बोलते हैं नेम के लिए या फादर नेम, इसके लिए आपका करेक्शन पोर्टल ओपन नहीं होगा। इसके अलावा आप CTET के लिए क्या कर सकते हैं, CTET के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी वो इसमें बताया गया है। इसके अलावा आपका एग्ज़ाम जो जुलाई 2023 अगस्त 2023 में होने की संभावना है, और एलिजिबिलिटी इन्होंने बताया कि दी मिनी क्वालिफिकेशन फॉर द टीचिंग स्टाफ शुड इन द अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन डिटरमाइन ऑफ द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर पर्सन टू बी रिक्रूट एज एजुकेशन टीचर एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर इन प्राइमरी अपर प्राइमरी, प्राइमरी सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट। इन्होंने बोला है कि जो NCT ने बोला हुआ है वो ही आपकी यहाँ पे रहेगी क्वालिफिकेशन। तो NCT ने बोला हुआ है कि अगर आप 1 से 5 तक के अगर टीचर बनना चाहते हो तो यहाँ पे इन्होंने BEd को भी अभी तक अलाउ किया हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जो पेंडिंग है। बाकी BSTC, JBT, ETT जो है 1 से 5 कक्षा के लिए वैलिड है। इसी तरीके से BEd वाले हैं जो 6 से लेके 8 कक्षा तक के लिए वैलिड है। इसके अलावा सिलेबस आपका क्या रहेगा वो मैं बता देता हूँ। अगर आप 1 से लेके 5 तक प्राइमरी स्टेज के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 2.5 आवर का टाइम दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन होंगे, हर एक पार्ट आपका 30 नंबर का रहेगा, जिसके अंदर CDP आपका 30 नंबर का है। 30 क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज कंपलसरी है, लैंग्वेज सेकंड कंपलसरी जो 30-30 नंबर की होगी, और 30 ही क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे और EVS के आपके 30 क्वेश्चन होंगे, और 30 ही नंबर के होंगे। 150 नंबर का पेपर आपका 2.5 आवर का होगा। इसके अलावा आप इन दी गई भाषाओं में से किसी एक भाषा को आप
ऑप्ट कर सकते हैं सेकंड लैंग्वेज के लिए। इसमें आपकी इंग्लिश, हिंदी, असामी, बंगाली, गारो, गुजराती, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर आपका हिंदी ऑलरेडी ही रहेगा। आप इसमें पंजाबी ले सकते हैं, अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो फर्स्ट लैंग्वेज आपका हिंदी रहेगा। सेकंड लैंग्वेज के अंदर आप इन दी गई 20 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा ले सकते हैं। ये बात आपको बाद में भी पता होनी चाहिए, जब आप फॉर्म फिल करने के बाद भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे फॉर्म में जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उन्हें यही नहीं पता होता कि उनकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है और सेकंड लैंग्वेज क्या है। इसके कारण उनके जो इजी पार्ट है उसमें भी जो नंबर है कट दिए जाते हैं। इसके अलावा 6 से लेकर 8 कक्षा तक के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए 30-30 नंबर का आपका CDP और लैंग्वेज रहेगा, और लैंग्वेज सेकंड भी आपका 30 नंबर का रहेगा। 150 नंबर का पेपर होगा, 2.5 आवर का ये रहेगा। 60 नंबर का आपका जो आपने जो चीज़ें BEd में पढ़ी हैं वो रहेगी। मैथमेटिक्स अगर साइंस से हैं तो आपका मैथमेटिक्स और साइंस का रहेगा, और सोशल स्टडीज़ से हैं तो आपका SST या इकोनॉमिक्स आपने जो भी रखी हुई है तो आपका वो पोर्शन 60 नंबर का रहेगा। ये बाकी इन्होंने दिया हो, इसमें से कोई भी आप एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अपेल जो अलग अलग चीज़ें हैं कि CTET कहाँ कहाँ वैलिड होगा, तो CTET आपका KVS, NVS, सेंट्रल तिब्बतियन स्कूल्स के अंदर, UTs जो भी हैं जी, दादर, नगर हवेली, दमन, दीव, या आपका NCT दिल्ली के अंदर जो पोस्ट निकलेगी वहाँ पे आपका CTET होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी अपने यहाँ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेती है। जैसे PSTET होता है जी, राजस्थान में रीट होता है, हरियाणा में STET होता है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। और वैलिडिटी क्या रहेगा, जो इसकी वैलिडिटी लॉन्ग टाइम जो लाइफ टाइम कर दी गई है। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ CTET क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी फॉर्म लाइफ टाइम फॉर ऑल कैटेगरीज। इसमें किसी भी प्रकार की कैटेगरी में नहीं बाध्य नहीं किया गया। एक बार अगर आप पास कर लेते हैं तो वो आपकी सारी उम्र तक वैलिड रहेगा। पास करने के लिए आपको अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 60% मार्क्स चाहिए, 150 का 60%, 90। और इसी तरीके से अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, किसी अदर कैटेगरी से हैं, जनरल को अदर छोड़ के, तो आपके 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है, जो बनते हैं 84 के लगभग। तो ये आप इन्होंने शिफ्ट बताई हुई है जी, कितना टाइम आपका रहेगा, कितनी आपकी फ़ीस रहेगी, वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी किस तरीके से आपकी मापी जाएगी, ये सभी चीज़ें दी गई है। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पूरा सिलेबस है, मैं सेंड कर दूँगा। पेपर 1 और पेपर 2 का आपको सिलेबस मिल जाएगा। बहुत ही जल्द हम क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। जो आपका डाउट है कमेंट कर देना, और वीडियो कैसा लगा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।